let me review a little again and then I will going to proceed. आपको याद होगा कि हम वी स्टार्टेड विद विद दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास एक मेज है और उसमें एक रोबोट है जिसने बेसिकली प्रॉब्लम जिसने बेसिकली क्या करना है पास निकालना है ठीक है ना. और हमने बेसिकली क्या किया था, हमने पहले इस मेज को कन्वर्ट किया था ग्राफ नोटेशन में ठीक है. फिर हमने कहा था यार ये जो ग्राफ नोटेशन है इसको भी हम सेव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने दो नोटेशन देखी थी, ये नोटेशन थी और एक नोटेशन थी ठीक है. इसको एडिशनसी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको एडिशनसी लिस्ट कहते हैं ठीक है. दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान आते हैं जो कि हमने देखे थे ठीक है. उसके बाद बेसिकली हमने गिवन ए ग्राफ वी डिड दिस ट्रैवर्सल कॉल्ड DFS ठीक है. एंड और इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन हमने निकाली थी क्या, फाइंडिंग कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन द ग्राफ ठीक है. ऑलराइट, आपको याद होगा बेसिकली एक ये बेसिकली इस फंक्शन पर डिपेंडेंट है, इसको एक्सप्लोर कहते हैं ठीक है. बेसिकली एक्सप्लोर करता है जिस वर्टेक्स के ऊपर आप इसे कॉल करते हैं, वो उसका विजिटेड ट्रू कर देता है ठीक है, उसका प्री विजिट सेव कर लेता है यानी कि बेसिकली उसका डिस्कवरी टाइम सेव कर लेता है. और फिर वो उसके बेसिकली उसकी जितने भी नेबर्स होते हैं जो अनविजिटेड नेबर्स हैं उनके ऊपर बेसिकली दोबारा से एक्सप्लोर कॉल कर देता है. और फिर वो उसका फिनिश टाइम कंप्यूट करता है कि भाई अब मेरा काम खत्म हो गया ठीक है ना. किसी को उसमें तो इशू नहीं है ऑफ कोर्स ठीक है. उसके बाद बेसिकली हमने बेसिकली कहा था कि जो DFS है वो क्या होता है. DFS है कि बेसिकली पहले सबका विजिटेड को फोर्स कर दो और फिर बारी बारी आप हर वर्टेक्स पे जाओ जाओ देखो किसका विजिटेड ट्रू नहीं हुआ फॉल्स नहीं हुआ उसके ऊपर ट्रू नहीं हुआ उसका बेसिकली एक्सप्लोर कर दो. जितनी एक्सप्लोरेशन की कॉल्स होती है वो मैं बताता है कि कितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं. सबको ये बात समझ में आ गई, मतलब कोई ये बात रिमाइंड हो गई ठीक है. तो उसके बाद हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन देखी थी DFS की, जिसमें हमने बेसिकली इसी को यूज करते हुए हमने सोर्स ढूंढा था ठीक है ना. तो हमने सोर्स ढूंढा था और उसके बारे में हमने कहा था कि जो DFS हम किसी भी वर्टेक्स पे चलाएं जो कि डैग है, तो बेसिकली जिसका सबसे एंड में आता है फिनिश टाइम, बेसिकली वो वर्टेक्स जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका सोर्स वर्टेक्स होता है ठीक है. तो सोर्स और सिंक दोनों के दोनों इसी तरीके से निकाले जा सकते हैं कि आप एक ग्राफ लें, उसका सोर्स निकालने के लिए आप उसको DFS बनाएं जिसका सबसे अच्छा एंड में आएगा फिनिश टाइम, वो हमारा सोर्स होगा. इसी तरह सिंक निकालने का भी बड़ा आसान तरीका है, वो क्या है कि क्या कर दो और फिर DFS कॉल करो. हाँ, हम उस ग्राफ का हम ग्राफ का फाइंड आउट कर लेंगे ग्राफ रिवर्स ठीक है, और फिर उसके ऊपर DFS कॉल कर देंगे. Does it make sense? ठीक है ना, ठीक है, फिर इसके ऊपर हम DFS कॉल कर देते हैं ठीक है. ऑल राइट, तो बेसिकली ये मुझे बताया था कि सिंक कौन सा है इस ग्राफ का ठीक है. ऑल राइट, ठीक है, शाबाश जी. अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमने फिर और बात करते हैं. फिर हमने बेसिकली इसी DFS को यूज करते हुए एक बड़ी मजेदार एप्लीकेशन देखी थी जिसका नाम था टोपोलॉजिकल सॉर्ट ठीक है. पहले हमने इसका एक इनएफिशिएंट तरीका किया था, और इनएफिशिएंट तरीका क्या था कोई बता सकता है, इनएफिशिएंट तरीका. हाँ जी, इनएफिशिएंट तरीका क्या था कि क्या निकालो उसको रिमूव कर दो, बताएं जी. हाँ, सबसे पहले सोर्स निकालो, सोर्स निकलेगा उसको रिमूव कर दो, फिर अगला सोर्स निकालो वो लेट से ये निकला था. सिंक में तो आना था सबसे. नहीं 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 नहीं, पहले सोर्स निकालो. तो जो इनएफिशिएंट तरीका था वो ये कहता है कि पहले सोर्स निकालो और सोर्स को रिमूव कर दो, फिर अगला सोर्स निकालो वो याद ये निकला है वो हो सकता है ये निकला है उसको रिमूव कर दो ठीक है, फिर अगला सोर्स निकालो. आप बेसिकली यही काम करते रहो ठीक है. तो बेसिकली ये कॉल होता है, ये बेसिकली एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा, ये लेगा वी टाइम DFS ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है ठीक है ना. ऑल राइट, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर DFS भी है प्लस रिमूवल की कॉस्ट भी है जो कि अगेन V प्लस E टाइम लेता है. सो रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ द वर्टेक्स भी ठीक है. सो ये एक इनफिट तरीका. फिर हमने कहा कि हम बेसिकली टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग हम एक और तरीके से निकालते हैं जो कि एफिशिएंट तरीका है, और वो ये कहता है कि भाई पहले व्हाई नॉट आई डू द फॉलोइंग, कि पहले निकालूं क्या, पहले निकालूं मैं सिंक, और सिंक में ऐसा निकालूंगा कि बेसिकली वो कहता है कि जिस पे मर्जी DFS कॉल कर दो, जिसका फिनिश टाइम सबसे पहले कंप्यूट होगा
वो बेसिकली सिंक होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहला फिनिश टाइम कैसे कंप्यूट हुआ है, बेसिकली जैकेट का हुआ है, तो वो बेसिकली सिंक है। फिर वो कहता है बेसिकली व्हाई नॉट यू डू द फॉलोइंग, सिंक को निकाल के बाहर फेंक दो, अब जो सिंक है उसको दोबारा कंप्यूट करो, ठीक है ना। सो बेसिकली वो कहता है कि उसमें फिर निकालने की बेसिकली जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज निकालने का मतलब है ही यही कि बेसिकली उससे एज तो जाने नहीं है पीछे, तो व्हाई यू आर रिमूविंग इट, यू डोंट नीड टू रिमूव इट, यू जस्ट कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग डीएफएस, ठीक है। तो जिस इस तरह फिनिशिंग टाइम आते जा रहे हैं उनको बेसिकली लिस्ट के एंड में लगाते जाओ, ये बात सुनाई। सो कॉल डीएफएस टू कंप्यूट फिनिश टाइम, ठीक है। एंड एज ईच वर्टेक्स फिनिश टाइम इज कंप्यूटेड, इंसर्ट इट एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे एंड में लिख लिख से पड़ा हुआ, और सबसे एंड में जो आएगा वो बेसिकली सोर्स होगा, वो सबसे पहले पहले पड़ा हुआ, ये बात समझ। अच्छा, मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम फाइनल एग्जाम में एक सवाल दिया था, मैं आपको वो सवाल बता दूं, जैसे एक छोटा सा एक फूड फॉर थॉट है, और वो फूड फॉर थॉट कुछ ये है कि इमेजिन द फॉलोइंग, कि अच्छा इमेजिन द फॉलोइंग कि आपके पास एक यही ग्राफ दिया हुआ है जो कि डैग है, ठीक है। डैग में बेसिकली यहां पर जब आपने काम करना था ना, वो एक स्टेप एट ए टाइम करना था, ठीक है। यानी आपको एक एक वक्त में आप एक काम कर सकते हैं। सवाल समझ में आ गया? अभी तक तो पता लग गया ना हमारा सिनेरियो क्या है। वो कहता है कि व्हाट इफ कि मैं कह दूं आपके कि आप दो काम इकट्ठे कर सकते हैं। सवाल समझ में आया? हेलो, सवाल समझ में आया? जी सर, फर्स्ट दो काम। इसका मतलब कि आप सवाल यह है कि कितने मिनिमम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या मैं अंडर शॉर्ट्स और पैंट्स इकट्ठी पहन सकता हूँ? नहीं, नहीं पहन सकता, ठीक है ना। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेसिकली हम ये सॉक्स और अंडर शॉर्ट्स ये तो इकट्ठे पहन सकते हैं, ठीक है। सो द होल आइडिया इज कि इमेजिन करो कि तुम्हारे पास पैरेलल प्रोसेसेस है, तो दो पैरेलल प्रोसेसेस को एक साथ पहन सकते हैं। एक्जेक्टली। सो कि ये जो एफिशिएंट एल्गोरिथम है ना, ये इतना एफिशिएंट नहीं है, इतना भी इनएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके केस में तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द फर्स्ट टू सोर्स और उनको एग्जीक्यूट कर दो, एंड देन फाइंड द नेक्स्ट टू सोर्सेस एंड उनको एग्जीक्यूट कर दो, एंड फाइंड द नेक्स्ट टू सोर्सेस उनको एग्जीक्यूट कर दो। ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना। सो दिस इज द वे टू डू इट। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड थिंक अबाउट कि कैसे इसको, अच्छा इससे ज्यादा मजीद बेहतर हो सकता है या नहीं। फिर सवाल ये है कि व्हाट इफ कि मैं आपको कह दूं कि आपके ओएस के अंदर के कोर्स लगी हुई है। ओएस पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं पढ़ लिया। तो के कोर्स का मतलब यह है कि आपके के प्रोसेसर्स इकट्ठे चल सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि व्हाई नॉट यू डू द फॉलोइंग, कि इसकी पैरेललिज्म का फायदा उठाते हुए तुम के सोर्सेस निकालो, उन्हें एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, और फिर देखो कितना मिनिमम टाइम में ये हो सकता है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, ठीक है। सो द थिंग इज के इस तरह के सब बड़े वेरिएंट्स हैं जो कि मैंने असाइनमेंट में दिए थे, अनफॉर्चुनेटली वो मैं भी नहीं दे सकता, मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने बेसिकली इसी की एप्लीकेशन यूज करते हुए स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट निकाले, और बेसिकली हमने क्या किया था कि एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। हमने किया क्या था कि इस ग्राफ को आईडिया ये था कि पहले एक सिंक कनेक्टेड कंपोनेंट निकालो, कोई भी वर्टेक्स देखो और उसको रिमूव कर दो, और फिर अगला सिंक ढूंढो उसको रिमूव कर दो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सिंक ढूंढने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम इस ग्राफ का रिवर्स निकालते हैं और इसके ऊपर डीएफएस चला के हम एक बेसिकली एक ऑर्डरिंग लेके आते हैं, ठीक है। और इस ऑर्डरिंग में जो सबसे सबसे पहले जिसकी ऑर्डरिंग मिलती है वो बेसिकली क्या होता है, सो बेसिकली जो रिवर्स में सबसे जो रिवर्स में हमारे डीएफएस ऑर्डरिंग आएगी उसमें जो सोर्स होगा वो बेसिकली इस ग्राफ का क्या होगा, वो इस ग्राफ का क्या होगा, सिंक होगा। बेसिकली उसको उठा के हम उसके ऊपर डीएफ एक्सप्लोर कॉल कर देंगे तो वो चंक निकल आएगा, फिर अगला निकालेंगे और देखेंगे हाँ विजिटेड तो नहीं है, अगर विजिटेड है तो फिर तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यानी वो पहले ही कंपोनेंट का पार्ट बन चुका हुआ है, वो हमने पहले बता दिया हुआ। फिर अगला वर्ड पढ़ेंगे, अगर जो अनविजिटेड वर्ड्स आएगा तो उसके ऊपर हम दोबारा से क्या करेंगे, एक्सप्लोर कॉल करेंगे। ये बात समझ? इस तरह हमारे सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है।
So basically, with only two DFS calls. ठीक है, फिर DFS हमने पहले G रिवर्स पे निकाला, ठीक है, और प्लस जो इसकी ऑर्डरिंग आई है, ठीक है, इस ऑर्डरिंग के ऊपर हम एक्सप्लोर कॉल करते हैं, विच अगेन कैन टेक V प्लस E टाइम, ठीक है, विद ओनली टू DFS बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, हमने बेसिकली इसकी हमने बेसिकली स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कपल निकाल लिया, ठीक है, इट्स कॉल्ड कोसा राजूज एल्गोरिथम, टू पास एल्गोरिथम, ठीक है, ऑलराइट जी. फिर हमने बड़ा मजेदार काम किया था, हमने बेसिकली DFS के बाद एक और ऑर्डरिंग पड़ी थी जिसका नाम था क्या, ये कौन सी ऑर्डरिंग थी, BFS ऑर्डरिंग. और हमारा जो इंसेंटिव था BFS ऑर्डरिंग में वो क्या था, व्हाई वी मूव टू BFS ऑर्डरिंग, के DFS क्या हमें ये निकाल के दे सकता है, हाँ जी, BFS क्या हमें ये निकाल के दे सकता है, एक मिनट यार होल्ड कीजिएगा, मैं एक मिनट यहां से आवाज, हाँ जी, सो BFS ऑर्डरिंग हमने हमें क्यों चाहिए थी, हाँ जी, हेलो आवाज आ रही है आपको, सरफराज गूगल मैप्स के आपने एग्जांपल दी थी बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल जी, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, सो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में बेसिकली जो मसला है वो ये है कि अगर हम DFS लगाते हैं तो DFS कैन गो इन वन डायरेक्शन एंड देन ऐसे जाता हुआ हमें डेस्टिनेशन पे लेके जाए, एंड दैट इज नॉट ए शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना. सो जो हमारा BFS है, BFS की सबसे कमाल बात यह है कि इट वर्क्स इन द रिपल इफेक्ट. पहले वो एक लेंथ निकालता है, फिर सेकंड लेंथ के सारे निकालता है, फिर थर्ड लेंथ के सारे निकालता है, फिर जैसे ही वो फोर्थ लेंथ के सारे निकालता है, एंड सो ऑन. और अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, अगर इस पूरे रिपल इफेक्ट में कहीं पर भी वो डेस्टिनेशन पहुंच जाता है तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं. This is called shortest path. So, बड़ी कमाल एप्लीकेशन है shortest path. ठीक है? तो shortest path निकालने के लिए the fastest known algorithm is BFS. ठीक है? ठीक है? और आज हम एक और algo पढ़ेंगे जो basically इसी की variant. ठीक है? So, आपको याद होगा basically हम क्या करते हैं, सबके color को हम white कर देते हैं, उसके distance को infinity कर देते हैं, parent को nil कर देते हैं. सोर्स जो होता है जिसके ऊपर रिपल इफेक्ट चलना है उसको हम ग्रे कर देते हैं, उसका डिस्टेंस जीरो कर देते हैं, पेरेंट नील कर देते हैं, क्यू के अंदर एम्प्टी करके क्यू में ये इंसर्ट कर देते हैं. और हमने क्यू से डी क्यू किया और हमने कहा जब तक इसके जितने भी इसके नेबर्स हैं उन नेबर्स को अगर वो व्हाइट कलर का है यानी अनविजिटेड है तो हम उसे ग्रे करेंगे, उसका डिस्टेंस की वैल्यू पेरेंट से एक ज्यादा कर देंगे जो भी हमने निकाला है, और उसके पेरेंट को ये यू वाला कर देंगे और इस वर्टेक्स को भी इसके अंदर क्यू कर देंगे. क्यू ऑर्डर एक्चुअली मेंटेन्स कि मैंने रिपल इफेक्ट में कैसे मूव करना, ठीक है, और हमने बेसिकली इसके ऊपर सेलो को चलाया भी था. आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, ठीक है. सो बेसिकली एक बात याद रखें कि बेसिकली ये जो एक्सप्लोर है और जो ये BFS है, बेसिकली दिस इज BFS एक्सप्लोर, ठीक है ये BFS एक्सप्लोर है और ये आपका DFS एक्सप्लोर है, ठीक है. और इसको यूज करते हुए आपको याद होगा मैंने ये ग्रिड का प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था, आपको बताया था कैसे एक्सप्लोरेशन, ठीक है और ग्रिड ग्राफ की बड़ी मजेदार चीज क्या थी, ग्रिड ग्राफ में क्या चीज नहीं चाहिए होती, ग्रिड ग्राफ में हमें क्या चीज नहीं चाहिए होती बताएं मुझे, इसकी मजेदार चीज क्या है ग्रिड ग्राफ की. तो ग्रिड ग्राफ में क्या चीज होती है, ग्रिड ग्राफ में मुझे जो नेबरहुड की इंफॉर्मेशन है, वरना आम तौर पे हम नेबरहुड को कैसे सेव करते हैं, हाँ जी बताएं, आम तौर पे किसी भी वर्टेक्स वी आई की जो नेबरहुड हम सेव करते हैं तो कैसे सेव करते हैं, हाँ जी यार आवाज आ रही है आपको,
हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यार आप क्या क्या हो गया फिर, आप लोगों जवाब बोल क्यों नहीं रहे? ग्रिड ग्राफ के अंदर हमने क्या चीज इंपॉर्टेंट की थी? ये आम तौर पे जब हम ग्राफ लेते हैं तो उसके अंदर नेबरहुड की इंफॉर्मेशन हम कैसे सेव करते हैं? जो नेबरहुड ऑफ वी आई है वो हम कैसे सेव करते हैं? वो किस फॉर्म में सेव हुआ होता है बता दो यार। दो फॉर्म्स है ना, एक एडजेसेंसी लिस्ट है और एक मैट्रिक्स में। या तो यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में होता है या एक वेक्टर की फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन जो मजेदार बात ग्रिड ग्राफ की है वो ये है कि जो नेबरहुड की इंफॉर्मेशन है उसमें कोई पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक वर्टेक्स मैंने पकड़ा, जैसे ये पकड़ा, इसकी मुझे नेबरहुड देखनी है तो वो बेसिकली मैं इसका जो भी इंडेक्स है उसके -1 -1 पे जाऊंगा तो ये इसका डायगोनली आप आ जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकली आप आ जाएगा, ये वर्टिकली डाउन आ जाएगा और वर्टिकली डायगोनली राइट आ जाएगा। फिर लेफ्ट आने के लिए सिर्फ कॉलम में माइनस कर देंगे, कॉलम में प्लस कर देंगे, और फिर ये रो में भी माइनस और कॉलम में भी माइनस, कॉलम में रो में प्लस और कॉलम में माइनस, और ये रो में भी प्लस और कॉलम में प्लस, ठीक है ना। तो बेसिकली नेबरहुड इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हम सिर्फ एक इंडेक्स के अंदर चेंजेस से निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था ग्रिड ग्राफ इज बेसिकली, अगर आप देखें तो याद है हमने हीप की थी, बाइनरी हीप की थी। तो बाइनरी हीप के अंदर भी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था बाइनरी हीप का, कि इसमें क्या हमें लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर या पेरेंट पॉइंटर रखने की जरूरत थी? याद है बाइनरी हीप के अंदर हमने लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर हमने नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? हाँ जी बताएं, हमने लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर वगैरह नहीं रखे थे बाइनरी हीप के अंदर। क्यों नहीं रखे थे याद है आपको? लो यार ये क्या हो गया आप लोगों को, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? याद है बाइनरी हीप को हमने कहा था कि बाइनरी हीप जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो इस तरह सेव हुआ होता है एलिमेंट्स, वो कंप्लीट ट्री होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 7th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 8th इंडेक्स पे है, फिर ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये 6 है और ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। सर क्योंकि उसका पेरेंट हम फॉर्मूले से निकाल लेते थे। एग्जैक्टली वो डिवाइड बाय 10 2 करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट पहुंच जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पेरेंट पहुंच जाएंगे। लेफ्ट निकालना है मल्टीप्लाई बाय 2 करो लेफ्ट आ जाएगा, और राइट निकालना है तो क्या करेंगे, राइट चाइल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे बताएं मुझे? 2 + 1 हाँ मल्टीप्लाई 2 + 1 कर देंगे बस, तो वहां पर राइट आ जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली मजेदार बात यह कि हमें बेसिकली ये पॉइंटर सेव करने की जरूरत नहीं है। दैट्स द फास्ट द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ हीप, बेसिकली वी कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अरे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हम अरे में सेव कर सकते हैं, यहाँ पे रूट एलिमेंट आएगा, ये उसके बच्चे यहाँ पर आएंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पर भी यही बात है, ग्रिड ग्राफ का बड़ा फायदा ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने पेरेंट की इन्फॉर्मेशन जब सेव करनी है तो बेसिकली इस ग्रेड को सेव करें और बिल्कुल इसी के साथ एक और पेरेंट का ग्रेड बना दें। पेरेंट में आपने इंडेक्सेस सेव करने हैं ना, तो बेसिकली अगर आपने जो बीएफएस कॉल कर रहे होंगे किसी भी वर्टेक्स के ऊपर तो पेरेंट भी यहाँ पे सेव कर लें कि ये जब यहाँ से गया था तो कहाँ गया था, यहाँ पे गया था, यहाँ पे गया था तो कहाँ से गया था और सेम सो ऑन। तो पेरेंट की इंफॉर्मेशन आप इस तरह सेव कर सकते, ठीक है। अच्छा अब मेरा आपसे सवाल है और ये सवाल बहुत मजेदार है। मैंने शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है और अब ये रियलिस्टिक सिनेरियो है और वो ये कि मेरा सवाल ये है कि लेट से आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ ए और आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ ई और आपसे पूछा जा रहा है कि ए से ई तक का पाथ बताएं, शॉर्टेस्ट पाथ, कौन सा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बताएं, या ए से लेकर लेट से डी तक का पाथ बताएं मुझे, शॉर्टेस्ट पाथ बताएं, ठीक है। ए से लेकर डी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनता है ये मुझे आपने बताना है, ठीक है। ए से डी तक का आपने शॉर्टेस्ट पाथ बताना है और यहां पर अब एज के ऊपर जो है, पहले तो हमने एक एक वैल्यू पड़ी हुई थी ना, हम ये बेसिकली हम एक डिस्टेंस कहते थे इसको, लेकिन अब एक वैल्यू पड़ी हुई है। सो एवरी एज हैज ए वेट, तो यहां पे ना बेसिकली वी ए बी पड़ा होगा, तो बेसिकली ये बताता है कि मैंने इस जगह पर कितना वेट है। सो अगर मैं इसको दो फॉर्म में सेव कर सकूं तो अगर आप देखें
तो इसको ग्राफिकली ऐसे करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ मुझे एडिसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूँ, और अगर मैं कहूँ कि मैंने एडिसेंसी लिस्ट में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, बताओ मुझे, बताओ मुझे, इसी को पहले तो मुझे बताओ ना ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आप मेरे पास वेटेड एजेस हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक लगने में लेट्स से 2 hours लगते हैं और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 hour लगता है और यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 hour लगता है। कह सकते हैं कि ए से बी जाने में कॉस्ट 2 है, कॉस्ट भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली कॉस्ट ही कह सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। सो सवाल यह है कि बेसिकली सो इसको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10, ठीक है, और ये इसको 2 कह देते हैं और लेट्स से यहाँ पर मैं एक एज डाल देता हूँ, ठीक है ये 1 है और एंड सो ऑन सो फोर्थ, और लेट्स से ये वाली जो वैल्यू है वो 1 है और ये वैल्यू 20 है, ठीक है। आप बताएं जी, आप मुझे बताएं ना कि मैंने पाथ निकालना, अब मैं लेट्स से कैसे सेव कैसे करूं, पहले तो मुझे सवाल ये है कि पहला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसको इसको हम सेव कैसे करें, इसको हमारे हमारे मैट्रिक्स रोटेशन में सेव कैसे करेंगे, ये बताएं जी मुझे। मैट्रिक्स में तो बड़ा आसान है, बताओ कैसे, कि मैं एक एक कॉलम में रो में जाके क्या करूंगा, ए से ए पे लिखूंगा 0, हाँ जी, ए से बी बताएं सर डिस्टेंस, हाँ ए से बी पे है 2, ए से सी पे कितना है 10, ए से डी डी पे कितना है 0, और ए से 0 नहीं कहना चाहिए इसको, बेसिकली कहना चाहिए इन्फिनिटी, यानी अभी तक वो यहाँ जा नहीं सकता, ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ उसको तुम इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है, ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, जो नहीं है उनको हम इन्फिनिटी कर देते हैं, सही है। आप बताओ इसको एडिशनसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे, हाँ आप आएगा ना मजा, हूँ दसो, मैं यहाँ लिखूंगा कि मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, ये एक ही रो है ना, और मैं 7 यहाँ पे पेयर लिख दूंगा 2, ठीक है, यानी कितने वेट कितना कितनी देर लगती है इसको यहाँ जाने में, इस तरह यहाँ लिखूंगा कि ए से सी पे भी जा सकता है और यहाँ पे सी लिखा होगा और यहाँ पे 10 लिखा, ये सबको समझ में आ गई बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो की है वो क्या है, यस सर, सो बेसिकली दोबारा से एडजेसेंसी मैट्रिक्स और मैट्रिक्सी लिस्ट को ही मैं मॉडिफाई करूंगा और हमारे पास इस ग्राफ को होल्ड करने का तरीका आ गया। अब मेरा सवाल ये है कि ये डिस्टेंस कैसे निकालें, ये डिस्टेंस निकालें कैसे, ये एक सवाल है, हाँ जी बताए जी कैसे निकालें, हाँ जी बताएं जी, वैसे मेरा एक सवाल ये है कि मैंने ए से डी तक जाना है तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनता है, ये ध्यान में रख लो, ये 20 है, ये 20 है, ए बी सी डी, एक मिनट, ये ए है, ये है, ये 1 है, ठीक है, और ये 4 है, हाँ जी बताएं ए से डी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए बी सी डी, ए बी ए बी सी डी, क्या खूबसूरत बात है, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये किसने बोला है, नुमान बोला है, कौन बोला है, शाबाश शाबाश, ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि बेसिकली ए से ये डिसीजन बनता है, ए से बी पे जाओ, बी से सी पे जाओ, सी से डी पे जाओ, दैट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैंने ई पे आना है तो ई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, लेट्स से ये 30 ए बी सी ई, आप बताओ, हाँ नहीं ए बी ई बनता है, ए बी सी ई बनता है, हाँ ए बी, लेकिन इसको मैंने 30 कर दिया ना, इसको मैंने 30 कर दिया, हाँ जी आप बताएं, आप क्या बन जाएगा, ए से बी, बी से सी और सी से ई, ऐसा एक मिनट एक छोटा सा काम भी कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, दोबारा बता दोबारा बता क्या 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 दोबारा बताओ, A B C D E, A B C और ये D और फिर ये E, ये बनता है जनाब, does it make sense, जी ठीक है ना, सबको ये समझ में आ गई बात कि A B C E नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां से 4 डिस्टेंस हो जाएगा और ये 1+2 जो है ये कितना बनता है, ये 3 बनता है, तो A B C D E होना चाहिए, does it make sense, अच्छा अब सवाल यह है कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और बाय द वे दिस इज ए मोर प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस प्रॉब्लम, दिस इज ए मोर प्रैक्टिकल वर्जन, व्हाई दिस इज मोर प्रैक्टिकल,
कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता कि जब हम गूगल मैप की बात करें कि यहाँ पे एक चौक है, यहाँ पे एक चौक है, यहाँ पे एक चौक है, तो मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा यहाँ से यहाँ तक भी, मैं अगर चौक चौक अगर एक है तो मैं ये कहूंगा यहाँ से यहाँ तक भी सेम डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी सेम डिस्टेंस, ये मैं नहीं कहूंगा। इट शुड बी बेसिकली, ये जो नंबर होता है ये गूगल मैप के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड मेजर होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस भी होता है, फिर ये कि कितना रश है वहां पे उसके हिसाब से बेसिकली, ये बेसिकली अगर गूगल मैप में तुम देखो तो ये टाइम वैल्यू होती है ना, कि यहां से यहां तक जाने में कितनी देर लगेगी, कितना वक्त लगेगा आपको यहां से जाने। ये बात समझ में आ गई, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो सवाल यह है कि ये काम कैसे किया जाए। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? Everybody understand the problem? कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम shortest distance निकालने जा रहे हैं, सवाल यह है कि कैसे निकालें, ठीक है? Everybody understand? क्या करके हम shortest distance निकाल सकते हैं, ये बताएं। जी जी, जिसकी cost add करके total cost जिसकी कम आएगी वो shortest distance होगा। तो अगर तुम कह रहे हो ना सारे path पहले निकाल लें और फिर उनमें से shortest निकालें, ये तो अजाब आ जाएगा जिंदगी में। अगर तुम कह रहे हो ना सारे के सारे पाथ निकाल लो, ये एनफैक्टोरियल पाथ बनते हैं तकरीबन, अगर डिस्क्रीट मैप तुम्हें अगर ये चीज पढ़ी हो ना तो तुम्हें पता लगेगा बेसिकली एनफैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बनते हैं टोटल। अगर तुम तमाम के पाथ निकालोगे एक सोर्स से और निकलोगे हाँ भाई कौन सा वाला सबसे मिनिमम दे रहा है, तो ये तो एनफैक्टोरियल टाइम हो जाएगा जो कि बहुत ज्यादा टाइम, वो तो इम्पॉसिबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आपका अगर 100 नोड्स आ गए हैं तो वो तो गूगल मैप आपका फारिग हो जाएगा, भाई मैं तो निकाल नहीं सकता, ठीक है? और 100 तो कुछ भी नहीं है, गूगल मैप जो है वो तो करोड़ों पॉइंट्स निकाल रहा होता है। हाँ जी, आप बताएं क्या करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड सिंपल आइडिया, जब चाहे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ जी, वेरी वेरी सिंपल आइडिया, क्या करें? सो मैं आपको हिंट दे देता हूं, ए स्मॉल चेंज। सो ए स्मॉल चेंज, और वो आपने बतानी है मुझे कि उस चेंज करने के बाद मैं एक्चुअली BFS लगा सकता। हाय 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 हाय, मजा ना आए पैसे वापस। हाँ जी, क्या स्मॉल चेंज करूं कि उसके बाद आप BFS लगा सके? हाँ जी बताएं जी। अच्छा, लुक एट द फॉलोइंग, व्हाट आई विल डू इज द फॉलोइंग। यहां से A से B तक जाने की कॉस्ट कितनी है? A से B तक जाने की कॉस्ट कितनी बड़ी होता है? 2। व्हाट इफ के मैं यहां पे एक नोड ऐड करूं, डमी नोड, तो आप मुझे बताओ यहां पे 2 लिखने की जरूरत है? नहीं ना। हां जी, नहीं ना। और ये देखें जी, A से C तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 10। मैं इसको हटाता हूं यहां से और यहां पर बेसिकली 9 नोड डाल देता हूं। कितने नोड्स? 9 नोड्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और हो गया। हां जी, यहां से यहां तक जानने के कितने डिस्टेंस है? 3-4 डिस्टेंस है, मैं 3 नोड डाल देता हूं। 3 का मतलब है एक डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस और चौथा डिस्टेंस। और ये देखिए जी, ये 30 है तो यहां पर मैं कितने नोड डालूंगा? 29 डाल दिया। सेम प्रोसेस, सो फ्रॉम दिस ग्राफ आई कन्वर्ट इट इन टू दिस ग्राफ, सो जी मॉडिफाइड, ठीक है? एंड नाउ आई अप्लाई व्हाट BFS on what? किस पे लगाऊं BFS तो मुझे बेसिकली डिस्टेंस आ देगा? बताएं मुझे, बताएं जी, क्या 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 आ देगा? किस पे मैं BFS लगाऊं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मैंने किससे डिस्टेंस निकालने, सारे मैंने A से तमाम डिस्टेंसेस निकालने थे, तो मैं किस पे BFS लगाऊं तो बेसिकली मेरे सारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे? A पे। तो BFS on A कॉल करूंगा एंड वी आर डन। Done.
ठीक है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट्स द प्रॉब्लम? कैन एनीबॉडी गेस व्हाट्स द प्रॉब्लम? हां जी, प्रॉब्लम बताएं जी. देयर इज अ वेरी अक्यूट प्रॉब्लम. व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? जी बताएं जी, मुझे बताएं. देयर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? मेमोरी कंजम्पशन इंक्रीज हो गया. ए मेमोरी कंजम्पशन किस लिहाज से? नोट ज्यादा स्टोर करने पड़े. ओ वेरी गुड पॉइंट. इमेजिन करो के, इमेजिन करो के व्हाट इफ कि यहां पर नोड से 100, यहां पर डिस्टेंस लिखा 100 और ये सिर्फ 3 नोड्स हैं, लेकिन तुम ये देखो कि यहां पर बेसिकली पहले हमारा टाइम लगता था वी प्लस ई, है ना. आमतौर पर बीएफएस में वी प्लस ई टाइम लगता है ना, लेकिन अब क्या वी प्लस ई टाइम लगेगा? इसमें देखो ना, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 3. और नंबर ऑफ एडिस कितनी है? 3. लेकिन इस एल्गो में कितना टाइम लग रहा है मुझे बताओ? दैट इज मच मोर देन दैट. वाई? बिकॉज दिस इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द वेट्स एंड दिस इज ए ह्यूज प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज यू आर एक्चुअली हैंडलिंग दीज नोड्स और इनके ऊपर आपकी कॉल जा रही है जो कि अनबियरेबल है. ये बात समझ आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? हां जी, सबको सवाल समझ में आ गया? सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया? सो एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? हां जी, क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम इज इन टर्म ऑफ स्पेस एंड टाइम. सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, टू मैनी डमी नोड्स. And in terms of time, this processing these dummy nodes is a huge headache. ये बात सुनाई? We are actually screwed due to these space and time. ठीक है? So the question is the following: How can we handle this? So how can we handle this problem and this problem? ठीक है? So dummy nodes and efficiency. Everybody understand the problem? सबको सवाल समझ में आ गया? हाँ जी, सबको सवाल समझ में आ गया? सबको प्रॉब्लम समझ में आ गया? क्या मसला है जो कि हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं अब? ठीक है, शाबाश. एंड नाउ आई विल गोइंग टू टेल यू समथिंग रियली रिमार्केबल. और वो कहता है, दिस इज बेसिकली एल्गोरिथम इज एक्चुअली डिफाइंड बाय, बेसिकली कॉल्ड अलार्म बेल इम्प्लीमेंटेशन. What a fantastic idea. And let me tell you the idea. The idea is the following. वो कहता है, यार मुझे ये डमी नोड्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं ये काम करता हूं. मैंने जिस सोर्स से शुरू करना है, मैं इसके ऊपर पहले टाइमर लगाता हूं और से कहता हूं कि इसका टाइम है 0. ठीक है, ठीक है. और पहले मैं काम करता हूं, देखिए पहले मैंने ना तमाम के डिस्टेंसेस इंफिनिटी रखे हुए, ठीक है. और वो करता क्या, सुने बात गौर से. यहां पर बेसिकली इसने क्लॉक टिक बनाया. इसकी वैल्यू पहले शुरू में 0 होगी, ठीक है. जब 0 होगी तो वो कहता जिसकी बारी आई है ना उसको चला दो, ठीक है. 0 आया, 0 किसकी बारी है? 0 पे किसकी बारी है बताओ मुझे? की. S की, सोर्स की. वो कहता है सोर्स से जितने भी एजेस निकल रही है ना उनके ऊपर रिलैक्स कॉल करो. और व्हाट इज रिलैक्स? रिलैक्स इज 0 प्लस एज का वेट. कितना हो गया 0 प्लस 100? कितना होता है बेटा बता दो यार, कितना होता है 0 प्लस 100? कितना होता है भाई बता दो. 100. तो बेसिकली 100 बड़ा है या इन्फिनिटी बड़ा है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी.
इनफिनिटी बड़ा है तो बेसिकली वो क्या करता है, इसको रिमूव करता है और इसकी जगह 100 डाल देता है, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इसलिए। और ये बताएं ये क्या हो जाएगा, 0 + 200 कितना होता है, 200 बड़ा या इन्फिनिटी बड़ा है, इन्फिनिटी बड़ा है, और छोटा कौन सा हुआ 200, इसको 200 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अब क्लॉक टाइप टिक की वैल्यू हो गई 1। हाँ जी, 1 इनमें से कोई है, 1 इनमें से कोई है, हाँ जी बताएं, बताओ भाई 1 इनमें से कोई है, 1 नहीं है इसमें तो, ठीक है ना, तो फिर ये क्लॉक टिक की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ जी, 2 इनमें से कोई है, नहीं, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये क्लॉक टिक जो है ना, ये नंबर चलाता जाएगा, कब तक चलाता जाएगा, जब तक कि वो किस पे नहीं पहुंच जाता 100। जैसे ही वो 100 पहुंचेगा, बेसिकली ए जो है वो इनेबल हो जाएगा, और अब ए के नेबरहुड चेक करेगा, ए के नेबरहुड, ये वाला तो विजिटेड है पहले, इसको कुछ नहीं कहेगा वो। 100 + 50 कितना होता है, 100 + 50 बताएं कितना होता है, 150। तो बेसिकली ये बड़ा है, 200 बड़ा है, 200। तो यहां पर बेसिकली 150 आ जाएगा, और इस बी का पेरेंट सेट हो जाएगा, पता क्या, पहले इसका पेरेंट सेट हुआ था क्या, एस, और इसका पेरेंट कौन सा सेट हुआ है, एस, ठीक है। अब ये कट जाएगा और इसकी जगह वो 150 रिप्लेस कर देगा, और इसकी जगह ये कर देगा, बात सुनना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो अगर मैं इसी एग्जांपल पे चलाऊं उसको, अलार्म क्लॉक वाले आईडी को, तो ये क्या करेगा बताओ मुझे, पहले मेरा क्लॉक है क्या बताओ मुझे दोबारा से, क्लॉक है 0, इस ए के ऊपर वो कर देगा 0, इसकी बारी आई, क्या क्या सेट करेगा बताओ मुझे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ, इसको मैंने कर दिया था 10, इसको मैंने कर दिया था क्या 30, और इसको मैंने क्या कर दिया था 1, यही किया था ना, लो भी चलाते, हाँ जी बताएं भाई क्या करें बताओ मुझे, ये क्या करेगा बताओ मुझे, अलार्म क्लॉक क्या करेगा बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश, ये क्या करेगा बता दो यार, क्या क्या हो गया इसको, मैं सारों के डिस्टेंस इनफिनिटी करेगा, बोले तो सबसे पहले तो सबके डिस्टेंस इनफिनिटी कर देगा, एक्सीलेंट पॉइंट, तो बेसिकली इसका भी डिस्टेंस इनफिनिटी है और इसका पेरेंट जो है वो नल है, इसका भी डिस्टेंस इनफिनिटी है और नल है, इसका भी डिस्टेंस इनफिनिटी है और नल है, इसका भी पेरेंट इनफिनिटी है और नल है। अब वो क्या करेगा, अब वो ए की बारी आ गई है, ए प्लस 0 + 2 = 2, तो यहाँ पर 2 आ गया, और सोर्स क्या आ गया, यहाँ क्या आ गया, ये आ जाएगा 10, और सोर्स क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब क्लॉक टिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, 1 किसी की बारी है, 1 किसी के ऊपर है, हैं बताओ यार, 1 कोई है यार, बता दिया करो यार, नहीं, ठीक है ना। और अब आएगा 2 किसी की बारी है, 2 ए की बारी है, तो ए के थ्रू सारे रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4, तो बेसिकली इससे क्या हो जाना है, 4 और बी, हाँ जी, 2 + 30 कितना हो गया, बता दो कितना हो गया, 32, और यहाँ आ जाएगा बी, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा बी, ठीक है। अब क्लॉक टिक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3 कोई है, हाँ जी 3 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया बताएं मुझे, 4, और वो 4 वो भी 4 ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ऑलराइट। और 3 + 4 इज हाउ मच, 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा बी, और 4 के थ्रू जब सेट हुआ तो 4 + 2 हो गया 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, और पेरेंट सेट हो गया डी, ठीक है।
ऑल राइट, तो फिर फोर के बाद फाइव होगा, इसकी वैल्यू फाइव हो जाएगी, फिर सिक्स हो जाएगी। अब क्योंकि ऐसा क्लॉक आ गया जो कि बेसिकली सारे की वैल्यू सेट हो गई हुई है, तो बेसिकली आंसर आते हैं। ठीक है, जब सारे के सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं तो उसका मतलब है कि हम क्लॉक टिक को रोक देंगे। ठीक है, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस आइडिया? पहले तो बताओ ना एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये अलार्म क्लॉक वाला आइडिया है, इस अलार्म क्लॉक वाला आइडिया के एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वी पर नहीं है, बेसिकली ओ ऑफ कितनी है? डू यू अग्री ओ ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए? क्यों? क्योंकि बेसिकली अलार्म क्लॉक जब तक उस वैल्यू पे नहीं पहुंचता, जब तक के उस वैल्यू पे नहीं पहुंचता जिसके जो कि बेसिकली आखिरी वाले की है, तब तक उसने चलते रहना है ना। अगर ना इस एल्गोरिथम में अगर आप देखो तो ये बेसिकली सेवन पे आके जब अलार्म क्लॉक सिक्स पे पहुंच जाएगा तो फिर हम रुक जाएंगे, है ना। लेकिन अगर इमेजिन करो कि ये 20 नहीं, ये 200 होता, ये भी 200 होता, और ये 100 होता, और ये भी 100 होता, और ये 300 होता, और ये भी 200 होता, और ये भी 200 होता, और ये भी 200 होता, तो बेसिकली तो क्लॉक टिक को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा होता है ना, क्योंकि बहुत सारे क्लॉक टिक में कोई वैल्यू आती ही ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड के मसला क्या है? द प्रॉब्लम इज कि इसमें भी हो क्या रहा है, इसमें भी हो यही रहा है कि हम बेसिकली हम हर वर्टेक्स पर भी जा रहे हैं एक दफा, उसकी तमाम एजेस भी कंज्यूम कर रहे हैं, बट देर इज ए ओवरहेड ऑफ दिस थिंग, ये कि हमें क्लॉक टिक है जो साथ साथ चलाना पड़ रहा है, और जिस क्लॉक टिक की बारी आती है वो हमें उसको चलाना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? ये एक बड़ी अजीब सी चीज चल रही है जिसका अंदर प्रॉब्लम है। मैं अलग आपको बता देता हूं, अलग ये है। सो सेट एन अलार्म क्लॉक फॉर द सोर्स वर्टेक्स टू बी जीरो, रिपीट अंटिल देयर इज नो मोर अलार्म्स, से द नेक्स्ट अलार्म गोज ऑफ एट टाइम टी फॉर ए वर्टेक्स यू, देन द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू यू इज टी, ठीक है, फॉर ईच नोड वी टू यू इन जी, इफ देयर इज नो अलार्म येट फॉर वी, सेट वन अलार्म फ्रॉम टी प्लस जो उन दोनों के दरमियान में लेंथ है, ठीक है। इफ वीज अलार्म इज सेट फॉर लेटर देन टी एल प्लस यू, तो फिर उसको रीसेट कर दो, ठीक है। ये अगर उसको अगर इसकी वैल्यू इससे कम निकल रही है तो उसको रीसेट कर दो। एवरीबडी अंडरस्टैंड बट मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पे खड़ा हूं लेट से, और लेट से ये दोनों के दोनों वर्टिसेस हो चुके हैं कंज्यूम वगैरह वगैरह। अब लेट्स से ये तमाम के तमाम मेरे दूसरे वर्टिसेस थे, ठीक है, इनमें अब सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दें। बेसिकली ये एक ये सारे नोड थे, इनमें से कुछ थे जो इन्फिनिटी थे, ये भी इन्फिनिटी था, इसकी वैल्यू थी 6, इसकी वैल्यू थी लेट्स से 16, इसकी वैल्यू थी 1, इसकी वैल्यू थी 3, इसकी वैल्यू थी 4, ठीक है। इसकी वैल्यू चलो 60 कर देते हैं, ये 16 कर देते हैं, ये एक नोड है जिसकी वैल्यू लेट्स से 10 है, और ये एक नोड है जिसकी वैल्यू 70 है, ये एक नोड है जिसकी वैल्यू 700 है, और ये वैल्यू जिसकी वैल्यू 100 है। मुझे एक बात बताएं, इसमें से सबसे पहले बारी किसकी आएगी? इनमें से सबसे पहले बारी किसकी आएगी? और बात सुन ले, अभी तक टाइम क्लॉक की वैल्यू कितनी है? 1, 2, 3, 4 तक गया हुआ है, क्लॉक टिक की वैल्यू 4 है। अब मुझे बताएं कि 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर, 9 के ऊपर, इनमें से किसी के ऊपर भी किसकी बारी आई? नहीं, 10 पे आएगी।
क्लास दो यार, 10 पे आएगी ना, क्लास 10 पे आएगी. सो बेसिकली ऑल यू नीड इज कि इनमें से जिसकी मिनिमम है तुम्हें बेसिकली वो निकाल ली, जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है बस वो तुमने निकाला. सबको समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. कि ऑल यू हैव टू डू इज कि बेसिकली उनमें से तुमने वो वाली वैल्यू निकाल ली जो मिनिमम है. अब मुझे एक बात बताओ, डू यू नो अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर, डू यू नो अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर विच कैन गिव यू, डू यू नो अबाउट अ डेटा स्ट्रक्चर जिसको मैं वैल्यूज दूं, मुझे नहीं पता कितनी वैल्यूज दूं, लेकिन मैं उससे एक सवाल करूं मुझे मिनिमम दे दे, और वो मिनिमम मुझे एफिशिएंटली दे दे. डू यू नो एन एल्गोरिथम जो कि ये निकाल लेता है मिनिमम हमेशा एफिशिएंट टाइम में निकाल लेता है, बताएं मुझे. और दूसरी बात ये कि मुझे एक और काम भी करना है कि हो सकता है कि मुझे किसी की वैल्यू को चेंज करना पड़े, यानी जो अंदर पड़े हुए हैं ना उनमें से किसी की वैल्यू को मुझे चेंज भी करना पड़े, और मैं चेंज कर रहा हूँ. याद है हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया था जो कि ना सिर्फ ये कि मिनिमम ला कर देता था, लेकिन अगर आप चाहते तो किसी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते थे. जब चेंज करते थे तो वो अपनी पोजीशन को दोबारा से रीडिफाइन कर लेता. कौन सा वाली हमने डेटा स्ट्रक्चर किया था? ये इट्स कॉल्ड मिन मिन हीप. शाबाश, मिन हीप. ठीक है, मिन हीप में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? फाइंड मिन जो है वो फाइंड मिन जो है वो ओ ऑफ वन में होता है. एक्सट्रैक्ट मिन जो है यानी निकालना जो है जो प्रायोरिटी क्यू था वो ओ ऑफ लॉग एन में होता है. ठीक है, और जो अपडेट की है उसको अपडेट कहते हैं, अपडेट भी ओ ऑफ लॉग एन में होता है. इसको याद है हमने जब अपडेट करते थे तो ऊपर चला जाता था, तो वो हीपीफाई अप हो जाता था. ठीक है ना, मिनिमम हुआ है तो वो ऊपर चला जाएगा, बढ़ाए बढ़ाएंगे तो वो हीपीफाई डाउन होगा. ठीक है ना, सो अपडेट ऑल्सो टेक लॉग एन टाइम. ठीक है, सो इट इज द एल्गोरिथम. स्पेसिफिकली कॉल्ड डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम. वो क्या करता है? बेसिकली सबके डिस्टेंसेस इंफिनिटी कर देता है, प्रीवियस नल कर देता है, डिस्टेंस ऑफ एस जीरो करता है. ठीक है, और एक क्यू बनाता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स डाल देता है. अब मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकलेगा? डिस्टेंस की बेस पर बना रहा है वो. हाँ जी, सबके इन्फिनिटी डिस्टेंस है सिवाय सोर्स के. तो अब वो जब मिनिमम हीप से निकालेगा, जब डिलीट बिन करेगा, तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकलेगा? सोर्स निकलेगा. और वो क्या करता है? वो बेसिकली ये करता है फॉर ऑल द एजेस यू वी. ठीक है, जो यू से निकल रही है एजेस वो उन सब के ऊपर रिलैक्स करता है. अगर उसका डिस्टेंस जो जिस पे वो जा रहा है उसका डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन है जो डिस्टेंस ऑफ यू है प्लस जो लेंथ ऑफ यू वी बनती है, अगर है तो उसको वो अपडेट कर दे, इसके प्रीवियस को सेट कर दे और उसके ऊपर डिक्रीज की कॉल कर दे, यानी हीप के अंदर अपडेट का फंक्शन. बेसिकली इस एल्गोरिथम को मैं चलाता हूँ आपके सामने. हाँ जी, शुरू में सारों के डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होंगे. इन्फिनिटी 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 और नल भी होंगे. ठीक है, यह करेगा, ये बेसिकली इसके इसका इसकी वैल्यू जीरो है. ठीक है, और इसका पेरेंट निल है. ठीक है, ये इसका पेरेंट फोर सेट करेगा और पेरेंट इसका हो जाएगा ए, और इसका क्या सेट हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू और पेरेंट हो जाएगा क्या? ए. अब हीप में और बाकी सारे सारे इंफिनिटी है, तो अब कौन पहले निकलेगा बताएं? कौन पहले निकलेगा? टू पहले निकलेगा या फोर पहले निकलेगा या इंफिनिटी डी ई में से कोई निकलेगा पहले? टू सी टू निकलेगा. जो निकलेगा तो फिर बेसिकली ये इसकी वजह से ये अपडेट हो जाएगा, यानी इसकी जगह ये आ जाएगा क्या? थ्री, और यहाँ पे आ जाएगा सी. और बेसिकली इसको आप चलाते जाएं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आ गया. ठीक है, व्हाट अ फैंटास्टिक स्ट्रक्चर. दिस इज बेसिकली कॉल्ड डाइजेक्स्ट्रा. ठीक है, डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम. ठीक है, आई एम टेकिंग अ ब्रेक बिकॉज मेरी एक मीटिंग है. ठीक है, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, और वो सवाल ये है, ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है. ये आप बेसिकली मैं आपको एक एक ना आप बेसिकली एक काम करें बच्चे, प्लीज अपना सीएलआरएस की बुक पे से जाएं और उसमें जाके ना ये जो एल्गोरिथम है ये आप चलाएं.
किसी भी एक एग्जाम्पल पे चलाएं, देश तक की कोई भी एग्जाम्पल पकड़े इंटरनेट पे और उसको जाके चला दे, ठीक है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, और सवाल ये है कि ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ बिल्कुल ठीक चलेगा, ये एल्गो बिल्कुल ठीक चलेगा, बट व्हाट इफ के मैं ये ग्राफ, यार सी तस्वीर ले लो, सारे की तस्वीर ले लो प्लीज, ठीक है। और मेरा सवाल ये है कि अगर इस ग्राफ में, किसी ग्राफ में नेगेटिव एजेस हैं, नेगेटिव एजेस समझते हो, कौन सी नेगेटिव एजेस है भला, आपको एनर्जी मिल जाती है, आमतौर पर तो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है आपकी, लेकिन वहां पर एनर्जी आपको मिल जाती है, तो यह बड़ी एक गेमों में आम बात है कि नेगेटिव चीजें होती है। तो बेसिकली आपका सवाल यह है कि क्या डिजिक्स तरह नेगेटिव एजेस पे चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी खत्म किया क्योंकि मैंने हमारे पास 20-25 मिनट, आधा घंटा पौने घंटे में हम बेसिकली वो जो प्रिम्स क्रिस्टल है वो भी कर लेंगे, हमने पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है। आप एक काम करें, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम जो मैंने बताया, ये एल्गोरिदम से तस्वीर ले लें बेशक, और बेसिकली इसको जाके कुछ एग्जाम्पल्स पे बुक से चलाएं, आपको डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम चलाना आना चाहिए, ठीक है। प्रिम्स और क्रिस्टल हम सैटरडे को करेंगे, ठीक है, और प्लीज मुझे अपडेट कर दिया करें कि आप लोगों ने अगली क्लास में क्या किया, ठीक है, ताकि उसके हिसाब से मैं अपना लेक्चर अगला प्लान कर लूं, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, प्लीज